प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओमटेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मित्रों, आज हम श्राद्ध अर्थात महालय के बारे में विशेष जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए मित्रों, ईश्वर का स्मरण करते हुए इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा में स्थित पितृलोक में निवास करने वाले पितृ श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में यदि कुछ भी पास न हो तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल दे दें या उनकी याद में आंसू ही बहा दें तो भी श्राद्ध हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष को महालय और पितृ पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता अनुसार अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है। श्राद्ध हिंदू एवं अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं, जिनसे गुण व कौशल आदि हमें विरासत में मिले हैं, उनका हम पर न चुकाए जा सकने वाला ऋण है, वे हमारे पूर्वज पूजनीय है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। हिंदू धर्म के मार्कंडेय पुराण में भी श्राद्ध का वर्णन मिलता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्युपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता भी है कि यदि विधिनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्युलोक में भटकती रहती है। पितृ पक्ष को मनाने का ज्योतिषीय कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता हो, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ रही हो, धन हानि हो रही हो तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार पितृदोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। इसलिए पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों की शांति आवश्यक मानी जाती है। भगवद गीता के अनुसार पितर पूजने वाले पितरों को, देव पूजने वाले देवताओं को और परमात्मा को पूजने वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात मनुष्य को उसी की पूजा करने के लिए कहा है जिसे पाना चाहता है। अर्थात समझदार इशारा समझ सकता है कि परमात्मा को पाना ही श्रेष्ठ है। अतः अन्य पूजाएं देवी देवता और पितरों की छोड़कर सिर्फ परमात्मा की पूजा करें। माता और पिता दोनों का श्राद्ध उनके देहावसान के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितर का अर्थ माता पिता, नाना नानी, दादी दादी और उनके पहले उत्पन्न सभी संबंधी मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों के हैं। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने से केवल पितर ही तृप्त नहीं होते बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, ऋषि, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत जीव भी तृप्त हो जाते हैं। पूर्वज पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा यहाँ वैदिक काल से प्रचलित रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित वैदिक ऋचाओं में पितरों तथा मृत्यु की प्रशस्ति गाई गई है। पितरों का आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों वंशजों को धन समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। पितरों को आराधना में लिखी ऋग्वेद की एक ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर्ग अवर और मध्यम वर्गों में किया गया है। संभवतः इस वर्गीकरण का आधार मृत्युक्रम में पितृविशेष का स्थान रहा होगा। ऐसे तीन विभिन्न लोकों अथवा कार्यक्षेत्रों का विवरण प्राप्त होता है जिनसे होकर मृतात्मा की यात्रा पूर्ण होती है। ऋग्वेद में अग्नि से अनुरोध किया गया है कि वो मृतकों को पितृलोक तक पहुंचाने में सहायक हो। अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वो वंशजों के दान पितृगणों तक पहुंचाकर मृतात्मा को भीषण रूप में भटकने से रक्षा करे। अग्नि का उल्लेख उस रज्जु के रूप में किया गया है जिसकी सहायता से मनुष्य स्वर्ग तक पहुंचता है। स्वर्ग के आवास में पितृ चिंता रहित हो परम शक्तिमान एवं आनंदमय रूप धारण करते हैं। पृथ्वी पर उनके वंशज सुख समृद्धि की प्राप्ति के हेतु पिंडदान देते और पूजा पाठ करते हैं। वेदों में पितरों के भयावह रूप की भी कल्पना की गई है। पितरों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने वंशजों के निकट आएं, उनका आसन ग्रहण करें, पूजा स्वीकार करें और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। परलोक में दो ही मार्ग हैं, देवयान और पितृयान। पितृगणों से यह भी प्रार्थना है कि देवयान से मर्त्यों की सहायता करें। स्मृतियों एवं पुराणों में भी आत्मासंसन संबंधी विश्वास पाए जाते हैं और इनमें भी पितृर्पण के हेतु श्राद्ध संस्कारों की महत्ता बताई गई है।
मृत्युप्रांत पितृ कल्याण हेतु पहले दिन 10 दान और अगले 10-11 दिन तक अन्य दान दिए जाने चाहिए। इन्हीं दानों की सहायता से मृतात्मा नई काया धारण करती है और अपने कर्मानुसार पुनरावृत होती है। पितृ पूजा के समय वंशज अपने लिए भी मंगल कामना करते हैं। इस प्रथा के दार्शनिक आधार की पहली मान्यता मनुष्य में आध्यात्मिक तत्व की अमरता है। आत्मा किसी सूक्ष्म शारीरिक आकार में प्रभावित होती है और इस आकार के माध्यम से ही आत्मा का संसरण संभव है। असंख्य जन्म मरणोपरांत आत्मा पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाती है। यद्यपि आत्मा के संसरण का मार्ग पूर्व कर्मों द्वारा निश्चित होता है, तथापि वंशजों द्वारा संपन्न श्राद्ध क्रियाओं का महात्म्य अभी इसे प्रभावित करता है। बौद्ध धर्म में दो जन्मों के बीच एक अंतःस्थायी अवस्था की कल्पना की गई है, जिसमें आत्मा के संसरण का रूप पूर्व कर्मानुसार निर्धारित होता है। पुनर्जन्म में विश्वास हिंदू, बौद्ध तथा जैन तीनों विचारधाराओं में पाया जाता है। हिंदू दर्शन की चार्वाक पद्धति इस दिशा में अपवाद स्वरूप है। अन्यथा पुनर्जन्म एवं पितरों की सत्ता में विश्वास सभी चिंतन प्रणालियों और वर्तमान में सभी हिंदुओं में समान रूप से पाया जाता है। ब्रह्म और वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृ दोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृ पक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। मान्यता है कि अगर पितृ रुष्ट हो जाए तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष से समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। संतानहीनता के मामलों में ज्योतिषी पितृ दोष को अवश्य देखते हैं। ऐसे लोगों को पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है। श्राद्ध में तिल और कुशा का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंडी रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। कौरये को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौरये का रूप धारण कर निर्धारित तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं को दिया जाता है। सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया जाना है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी ऐसा ही किया जाता है। इस विषय में कुछ विशेष मान्यता भी है जो निम्न है। एक, पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का नवमी के दिन किया जाता है। दो, जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई है यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। तीन, साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। चार, जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है। मित्रों, इस तरह से हमने श्राद्ध अर्थात महालय के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। हम अपने सभी पितरों का स्मरण करते हुए इस वीडियो को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद।